Oh mama, my baby. Oh mama, my baby. Oh mama, my baby. तू जो हंसती है खेलती है हर घड़ी, लगता है सारी खुशियां घर है आपड़ी। पापा की लाडली तू है जिंदगी, मस्ती का पिटारा है हमारी फुलझड़ी। माँ तू रहना बस मेरे पास में, दुनिया की जरूरत लगती है ना कभी। मेरे जीने का सहारा माँ तू ही है, तेरे होने से चलती सांसें सभी। ओ मामा प्यारी सी तू प्यारी दे दे सबके लिए। ओ मामा देखो ये हंसते गाते सारे चेहरे तेरे किए। ओ मामा मा पे पे। ओ मामा my baby, oh mama, my baby, oh mama, my baby. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all. आप सबकी मॉम को मेरी मॉम की तरफ से और मेरी तरफ से और इस गाने की तरफ से, और ऐसे ही हमने आज abruptly प्लान किया कि हम आते हैं लाइव आप सबके साथ में। कैसे हो सब? कैसे सेलिब्रेट किया तुम सबने मदर्स डे? हमने कैसे किया हम भी बताएंगे, पहले पहले उनसे जान ले माँ। हाँ ठीक है। तो शालिनी डीजेड के हार्ट्स आ रहे हैं, मिस्टर वैभव ने दिल भेजा है, टीना ने कुछ इमोजी भेजा है, मार्शमेलो सेम टू यू, हैप्पी मदर्स डे, हरे कृष्णा खुशी खुटारी, हैप्पी मदर्स डे बोल रही है मिस राठौर, प्लीज प्ले मेरी माँ, ऋषि कह रहे हैं। यार वो गाना मैं अभी नहीं कर सकता, मतलब मेरे को आता नहीं अच्छे से, नहीं तो मैं करता। और बाकी आज मैं गाने वाने ज्यादा नहीं आया, मेरा तो हाथ ही जल गया। चीयू हिंद्रे कह रही हैं कैसे, आई थिंक वो कुछ बना रही होंगे अपनी मॉम के लिए, तब उनका हाथ जल गया। कैसे जला चीयू? नाम मस्त है उनका, चीयू है और मेरा चीनू है घर पे, है ना माँ? yes. तो मेरा फेवरेट सॉन्ग दूसरे चीनू से यशिता गांधी है ना माँ, उसका फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। ओ मामा लवीना कह रही है शी इज सो क्यूट, आपके लिए कह रही है थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे कह रहे हैं कोमेंद्र सिंह सिसोदिया, राज आर्या कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे माँ, उनकी तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे आपको, थैंक यू। भावी नेतम हैप्पी मदर्स डे कह रही है, रोहिन रांगुरू हैप्पी मदर्स डे। तो बहुत सारी विशेज आ रही है मैं आपको, इतने सारे अपने सब बच्चों की तरफ से, आपके बच्चे हम सब। तो अभी ऐसा कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज का सेशन में थोड़ा अपन ऐसा कुछ करते हैं कि गाना तो मैंने आप सबको सुना दिया, कि तुम्हें अगर मेरे बारे में कुछ भी पूछना हो तो तुम मॉम से पूछ सकते हो कुछ भी। तो मॉम है ना, मेरे बारे में पूछे हुए सवालों का जवाब मम्मी देंगी, और मम्मी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो और उसका जवाब मैं दूंगा, ठीक है? तो ऐसा मैंने कुछ प्लान किया था छोटा सा। आपकी मॉम तो अच्छी है ना, डोरेमोन कह रहे हैं। दस्तक आप लोग साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू दस्तक। मैंने गिफ्ट दिया नेकलेस ऐसा कुछ, अच्छा उन्होंने अपनी मॉम को नेकलेस गिफ्ट किया एक, सो क्यूट मम्मी। मिस खान कह रही है थैंक यू। लेडी ली ज्योति कह रही है हैप्पी मदर्स डे प्रिटी वुमन, वाओ थैंक यू बच्चा। अरे कश्यप रानंदी नंदू का भी आया मैम मैसेज, हैप्पी मदर्स डे आंटी बोल रही है। हेलो नंदू। नंदू हमारी क्या है मतलब मेरी छोटी बहन है एक तरह से, और मम्मी की लाडली दुलारी। मेरे तो बहुत सारे बच्चे हो गए है ना। आप भाई आप इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं करते, भाई की फेवरेट हीरोइन कौन है? क्षितिज पूछ रहे हैं वहाँ। प्रियंका चोपड़ा। अच्छा वाह। मॉम का फेवरेट मूवमेंट बताओ। मॉम का फेवरेट मूवमेंट है जितना मुझे पता है, जब मैं इंडियाज रॉकस्टार में पहली बार टीवी पे आया था ना, कपकेक गाता हुआ लाल ड्रेस में, तो मम्मी पूरे सुबह से लेकर रात तक है ना टीवी के सामने बैठी रहती थी कि कब मैं आऊंगा उसमें एडवर्टाइजमेंट में मैं गाऊंगा। तो जो एड आया था तो वो पूरे टाइम मैंने बस जंप करते हुए देखा।
मोहित टेल मम्मास बर्थडे, मम्मी का बर्थडे आता है 21 जनवरी को, है ना माँ? ये अच्छा चीज है ना, जो आपके लिए क्वेश्चन आएंगे मैं आंसर करूंगा और मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर करना। मम्मी का फेवरेट फूड, अरे मोहित को कौन पूछेगा माँ, मम्मी आ गई है तो मोहित का फेवरेट, ओके मम्मा का फेवरेट फूड पूछा किसी ने, तो मम्मा का फेवरेट फूड है दाल ढोकली। मम्मी उदयपुर से है ना मेरी, हाँ तो मम्मी उदयपुर से ना मेरी, तो मम्मी को उनके मम्मी के हाथ की दाल ढोकली बहुत ज्यादा पसंद है। तो और क्या क्वेश्चंस हैं मोहित? वाव मम्मी जी की स्माइल बहुत क्यूट है, प्रियू कह रही है की स्माइल। एक बार कपकेक सॉन्ग सुना दो, हैप्पी मदर्स डे मामा, पापिया बैद कह रही है थैंक यू पापिया। दस्तक पूछ रही है हाउ मच जिद्दी इज मोहित। सो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इसका ये ऐसा घोड़े की तरह, इसको ऐसे ही चीज दिखती है, तो इसको जब तक क्लियर नहीं समझा, इसको समझ में नहीं आता, बस जो इसको समझ में आ रहा बस उसी चीज पे अड़ा रहेगा कि बस यही सही है, और बहुत मुश्किल है इसके साथ। इसके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया ना कि ये ही सही है, तो वो ही सही है बस, फिर कोई भी इसको समझा नहीं सकता। अरे रॉयल कैट पूछ रही है मोहित का फेवरेट कलर, ये पता है क्या आपको? मोहित का फेवरेट कलर, मुझे तो नहीं लगता है तेरा कोई भी फेवरेट होगा, कुछ भी पहन लेता है ये। मम्मी की खूबसूरती का राज क्या है? हाँ, ये तू बता क्या है? संतूर संतूर, नहीं नहीं मम्मी क्या है, मतलब जब से मेरे को याद है कि सबसे पहले मैंने योगा करना स्टार्ट किया था ना लाइफ में, तो मैंने मम्मी को देखकर ही सीखा था, क्योंकि मम्मी बहुत मतलब हेल्थ कॉन्शियस थी हमेशा से। घर में कोई और एक्सरसाइज करता हो नहीं करता हो, मम्मी का रेगुलर होता है रूटीन कि मेरे को एक्सरसाइज करना है करना, और अब तो दो टाइम और हो गया है, तो दोनों टाइम सुबह और शाम को मम्मी की एक्सरसाइज रूटीन चलता रहता है, और डाइट वो अलग से फॉलो करती है। आई थिंक पूरे घर में हमको सबसे हेल्दी खिलाने की जिम्मेदारी मम्मी ने ले रखी है। कश्यप राननंदनी पूछ रही है नॉटीएस्ट मूवमेंट ऑफ मोहित, मतलब मैंने ऐसे शरारत करी है कभी बचपन में? जब ये छोटा था तो इसको जब भी कोई सामान लेने भेजती थी तो ये घंटों नहीं आता था, एक घंटा दो घंटा, मैं पूछती क्या हो गया, पर दुकान पे बहुत रश हो रहा था, ये हो गया। फिर एक दिन मैं इसके पीछे पीछे गई तो ये क्या करता था, तो वीडियो गेम्स आए थे नए नए, तो ये जाके 1 रुपया देके वीडियो गेम खेलता था। फिर मैंने इसको पकड़ा, इसको डंडे इसकी बैट से पिटाई की थी। बाप रे, घर में जो मैं पिटा हूं ना, बाप रे। फिर उसके बाद में मैंने ना गेम्स खेलना ही बंद कर दिया। धारा पूछ रही है मोहित का फेवरेट फूड कौन सा है? मोहित का दाल बाटी, दाल के साथ कुछ भी चलेगा, दाल चावल, दाल बाटी, दाल रोटी, बस दाल होनी चाहिए। कपकेक मोहित पूछ रही है कपकेक का फेवरेट सॉन्ग, मतलब वो मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपको पता है? इस तेरे लिखे हुए गानों में से, तेरे लिखे या हुए गानों मेरा में से? कोई भी, मतलब मेरा फेवरेट सॉन्ग कोई, मुझे इसके सारे गाने पसंद है, इसका फेवरेट, इसका कौन सा गाना है तो मेरे ख्याल से वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, जिसका फेवरेट है वो अभी तक आया नहीं है बाहर। और किसी ने पूछा कि मम्मी का फेवरेट सॉन्ग कौन है, तो मम्मी का ना फेवरेट सॉन्ग है ओ मामा माय बेबी, आई थिंक मम्मी का सबसे फेवरेट सॉन्ग है। और वैसे मम्मी को उनके गाने बड़े पसंद थे पुराने गानों में, वो सलमा आगा ना, सलमा आगा को मैं कॉपी करती थी, हाँ। कोशिश करती थी सलमा आगा को की तरह गाऊं। तो मम्मी प्लीज सॉन्ग सुनाए एक, अब तो माँ आपको सुनाना पड़ेगा सलमा आगा जी का एक सॉन्ग। सलमा आगा का, हाँ दो लाइने हैं, दो लाइने चलेगा? उस समय तो प्रैक्टिस थी, अब प्रैक्टिस थी और सब लोग हंसेंगे, अभी मैं सुना तो दूंगी, मुझे तो कुछ नहीं है। आपकी इच्छा, देखो अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है, ठीक है इस पे, इस सुर पे अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, क्या बात है, ना वो समझ सके न हम, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, क्या बात है। और इनफैक्ट मुझे ये बात भी याद है कि हम जब छोटे थे ना, मैं और मेरे जो भाई बहन है, तो हम घर में इंडियन आइडल खेला करते थे और मम्मी को जज बनाते थे। तो क्योंकि मेरे नाना जी बहुत ही कमाल के फोक सिंगर हैं, तो मम्मी उनकी बेटी हैं, तो ऑब्वियसली उनमें वो टैलेंट्स होने ही थे। और ना सिर्फ एक, मम्मी में इतने सारे टैलेंट्स हैं ना कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं। मम्मी इज अ ग्रेट डांसर, ग्रेट सिंगर,
कुक और ड्राइवर, हाँ क्या बढ़िया ड्राइव करते हैं गाड़ी, मतलब रेस रेसर का जैसे होते हैं ना, रेसर्स जो होते हैं उस कैटेगरी की ड्राइवर है मम्मी। तो वंडरफुल आंटी जी, हिमांशु कह रहे हैं वाओ आंटी जी सो गुड, तुली राव ने आपकी सिंगिंग की तारीफ करी है, थैंक यू। रोहिणी रंगू कह रहे हैं शी लुक्स मोर सिस्टर देन योर मदर भाई। सही बात है, मैं और ये चीज ना मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी से सुन रहा हूँ, मुझे याद है जब मैं 5-6 साल का भी था ना तब भी ये कहते थे कि ये आपके बच्चे नहीं है, मतलब कहीं से उठाकर लाए हो गए, आप तो लगते ही नहीं हो कि आप मम्मी भी हो। मतलब हर साल में स्कूल हर सेमेस्टर में जाती थी, हर बार टीचर्स का ही क्वेश्चन होता था ये सच में तुम्हारी मम्मी है, ये सच में तुम्हारी मम्मी है। तो आज भी यही क्वेश्चन है कि ये सच में तुम्हारी मम्मी है क्या। तो वाओ कुसुम प्रपा जब तो और किसी कोई क्वेश्चंस है फिर हम एक गाना गाएंगे। मल्टी टैलेंटेड मॉम कपकेक मोहित कह रहे हैं मम्मी का फेवरेट हथियार द लॉस्ट पोएट्री पूछ रही हैं। मम्मी का फेवरेट हथियार, आई थिंक मम्मी ने मुझे सबसे ज्यादा उनके हाथों से पीटा है और थोड़ी टाइम बैट से भी पीटा है। एक की बारी बैट से, जब हाँ, तो वीडियो गेम खेलने गया था। हाँ वीडियो गेम खेलने गया था तो तब से क्या मैंने गेम्स खेलना ही, वीडियो गेम्स खेलना ही बंद कर दिया। मोहित्स बिगेस्ट मिस्टेक पूछ रही है परशवा शाह, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या करी है मैंने, मतलब वीडियो गेम खेलना या और भी कुछ। ऐसा तो बहुत ही है, बस थोड़ा सा बेवकूफ सा है। क्या बात कही है माँ, अरे वाह। छोटा था तो इसको एप्पल कटवानी थी मुझसे, तो ये लेने गया था एप्पल और मैंने कहा नाइफ लेके आ, मैं एप्पल काटती हूँ। नाइफ बिल्कुल टेबल पे पड़ा था और ये पूरे घर में ऐसे ऐसे देख के आता, मतलब चक्कू तो नहीं मिला, चक्कू तो नहीं मिला। तो मैंने इसको बोला आंखें खोल के देख, क्योंकि वो जस्ट सामने ही पड़ा था। तो ये जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके और ऐसे ऐसे करके 1 घंटे तक पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैं सोचा आंख में कुछ गिर गया होगा, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलता आंखों में तो नहीं है। तो मम्मी ने मुझे बोला था आंखें खोल के देख, तो मैं कांच के सामने आंखें खोल कर देख रहा था कि चक्कू मिल जाएगा। पर मम्मी आपको ये बताना पड़ेगा मैं कितने साल का था उस टाइम, नहीं तो मेरे को लोग कितने भी साल का ऊपर आंख में चक्कू कौन रखता है। नहीं मैं कितने साल का था उस टाइम बताओ। 5 साल का होगा। नहीं 2-3 साल का था मैं शायद, या 4-5 साल का। सोचो माँ के घर की वाली बातें, तो माँ के घर की वाली नहीं, माँ के घर की बात है मुझे याद है। नहीं नहीं तो जब भी था ये बेवकूफ था। अच्छा थैंक यू। राइटर युवराज पूछ रहे मोहित भैया की 12th की परसेंटेज क्या थी। 76 तो मेरी 10th की थी, 73 थी मेरी 12th की। 70 के उसमें थी दोनों साल में। जयपुर पिंक सिटी में जयपुर का एक पेज है और वो अपनों कह रहे हैं लव फ्रॉम जयपुर, थैंक यू। राधे राधे ताई जी निखिल कह रहे हैं, राधे राधे अपने वो है क्या निखिल तो हाँ, क्या नाम था उसका घर का नाम क्या। किंजुदार जी कह रहे हैं कैसे हो सर एकदम मस्त हैं। और भी कोई क्वेश्चंस मम्मी के लिए, कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं आंसर करूंगा और मेरे लिए कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो मम्मी आंसर करेंगी। मम्मी जी को राम राम। राहुल चौहान निक नेम कौन सा है मोहित का, एनआर मेतिया पूछ रहे हैं। चीनू चीनू हाँ मेरा निक नेम चीनू है। तो ब्यूटिफुल मॉम कह रही है अदिति मिश्रा, अभी नेम सिंह कह रहे सॉरी पता नहीं क्यों। अंताजी बोनी कह रही है बोथ आर लुकिंग नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लाइव आए साथ में, थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा है ना माँ, थैंक यू। मस्त है यार ये तो। ऐसे लॉकडाउन की कोई फेवरेट मेमोरी कपकेक मोहित पूछ रही है, तो माँ एक आप बताओ आपकी फेवरेट मेमोरी लॉकडाउन के टाइम की और एक मैं बताऊंगा। लास्ट ईयर वाला लॉकडाउन तो इंटरेस्टिंग था कि फर्स्ट टाइम हम सबको फेस करना पड़ रहा था, तो हम लोग सब घर में थे सालों बाद, कितने सालों बाद हम सब लोग घर में थे और हमारा एक रूटीन हो गया था। हम लोग ताश खेलते थे सारा दिन, एक मूवी देखते थे नेटफ्लिक्स पे और मतलब मस्ती वाले दिन थे। पर इस साल वाले लॉकडाउन में वो सब कुछ नहीं है, इस बार थोड़ा सीरियस हो गए, थोड़ा शांत हो गए सब लोग, तो पहले वाला लॉकडाउन ज्यादा अच्छा था। और मेरी फेवरेट मेमोरी होगी लॉकडाउन की, लॉकडाउन की फेवरेट मेमोरी क्या थी मेरी, तो घर में है। हाँ कि मैं मतलब बहुत सालों बाद मैं मुंबई से जयपुर आया था ना, और यहाँ काफी टाइम मैं तब से यही हूँ जयपुर में, जब से लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर तो। हाँ तो ये मेरी सबसे प्यारी फीलिंग थी कि यार इतने सालों बाद 6-7 साल बाद अपने घर पे रहना कैसा लगता है अपने भाई बहनों मॉम डैड के साथ में, तो ये मेरे को बहुत अच्छी सबसे बेस्ट फीलिंग थी मेरे को शुरुआत में।
और क्या है, किसी ने क्वेश्चन पूछा, मम्मी आप बताओ सर घर पे भी इतना ही हैप्पी रहते हैं क्या? अच्छा ऐसा पूछा है किसने, मैं नाम उनका स्किप हो गया, व्यास, व्यासा ने पूछा ये। ये हमेशा ही ऐसा ही रहता है, ये अपने नाम को जस्टिफाई करता है, मोहित है तो ये हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, चाहे इसके मन में बहुत गुस्सा आ रहा होगा। अगर ये मुझे बोलेगा खाना लगा दो, मैं बोलती हूँ अभी 10 मिनट बाद लगाऊंगी, तो बड़े प्यार से बोलेगा हाँ ठीक है 10 मिनट बाद, पर ये वहां चेयर पे से बैठ के अंदर ही अंदर से मेरे को देखता रहता देखता रहता, तो मैं सब काम छोड़ के पहले खाना लगाने लगती हूँ कि ये मन अंदर से मुझे कुछ बुरा बोल रहा अरे होगा नहीं 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 माँ, मैं बट तो चेहरे पे इसके ऐसे स्माइल हमेशा रहती चाहे कुछ भी हो जाए नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे ऐसे गुस्सा नहीं होता, गुस्सा होता भी हूं तो मतलब मैं, अंदर ही रखता हूँ हाँ भाई आप एमपी में कहाँ आए हो अभी तक, तिवारी पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। लॉट्स ऑफ लव मम्मा, शशांक गौड़ कह रहे हैं, थैंक यू। चौको पाइज कह रही है, बिगेस्ट फैन सर, माँ से मिलना है अब जल्दी ही, मुस्कान गोयल कह रही है, माँ मुस्कान गोयल अपनी ना सिलीगुड़ी से हैं। उसने मैसेज भी किया था हाँ हाय मुस्कान आपकी स्माइल सो क्यूट, सोनम लश्कारी कह रही है माँ आपके लिए। थैंक पंद्रह श्रद्धा पंडेरा, श्रद्धा कह रही है हाय बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम फिर मुझे दिल से पुकार तू, थैंक यू। निकिता सिंह कह रही है मोहित जी का गुस्सा कैसा है, मोहित जी गुस्सा भी बहुत, जितना ये मुस्कुराता अच्छा उतना ही तेज इसका गुस्सा है, जब आता है तो आई नो। माँ मेरे साथ एक बार कार में गया था, एक ड्रंक इंसान था, पता नहीं वो किसी किसी को और को कुछ भी बोल रहा था, गाली बक रहा था, और ये नीचे उतरा गाड़ी में से और इसने उसके मुंह पे ऐसा पंच मारा कि उसका दांत इसके हाथ में घुस गया था, और ये छोटा था तब, इतना इसको गुस्सा आया था बहुत वो, ज्यादा। हाँ वो मम्मी को थोड़ा अब्यूज कर रहा था, मम्मी को उस टाइम सुनाई नहीं दिया पर मुझे सुनाई दिया था, तो मुझसे क्या है थोड़ा सहन नहीं हुआ था उस टाइम में, बहुत छोटा था, 8 9 10 साल पहले की बात है शायद वो तो। हाँ हाँ मम्मी जी के हाथ का फेवरेट खाना फॉर यू, एवरीथिंग तो हाँ वैसे, लेकिन मेरा अभी इन दिनों ना वैसे हमेशा से मुझे दाल बाटी सबसे फेवरेट लगती थी मम्मी के हाथ की, पर दाल बाफले वो जो उदयपुर में बनाए थे, दाल बाफले कहते हैं ना माँ उन्हें, दाल गट्टे बनते हैं, वो दाल झोटली के गट्टे, अलग जो हाँ सेपरेट बनते हैं गट्टे वो। मोहित की कोई आदत है जो आपको नहीं पसंद हाँ क्या? बहुत सारी है वो बताना नहीं चाहती मैं मोहित की कोई गर्लफ्रेंड है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। गर्लफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स थी, एट प्रेजेंट में तो कोई नहीं है पर ना बहुत है। मोहित जी का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है माँ? रे दाल बाटी दाल बता दिया था मैंने, बाटी और मम्मी का है दाल ढोकली। दाल तो ओ ही वाओ, है मीन्स बचपन से ही। लव यू सर आपका फिर मुझे दिल से पुकार तू सॉन्ग बहुत अच्छा है, थैंक यू। फंबल हो गया मैं। अरे यार मस्त है यार माँ, फेवरेट मूवी दोनों की, ठीक है माँ आपकी आपकी फेवरेट मैं बताता हूँ, गैस कर सकता हूँ या तो गलत ही गैस करूंगा यार ये तो, चलो आपकी फेवरेट आप बताओ, मेरी फेवरेट मैं बताऊंगा, आपकी फेवरेट मूवी। मेरी फेवरेट मूवी है मैंने प्यार किया, जो मैंने 7 बार देखी थी, वाओ वो सलमान खान वाली। सलमान खान वाली और मेरी फेवरेट मूवी है आई थिंक इंसेप्शन, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आपका फेवरेट कलर माँ, आपका फेवरेट कलर क्या है? येलो बट आई और वेयर ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। और योर आईज माँ, आपकी आईज की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। टिया टिया कर कह रही नमस्ते आंटी जी, नमस्ते टिया हाय टिया। टिया माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत प्यारी सिंगर है, और फेवरेट सॉन्ग मम्मी का, मम्मी अच्छा अजीब दास अपन ने बता दिया, पॉजिटिविटी इन वन फ्रेम कह रही है कश्यप नंदनी। माँ चीनू को कुछ बताना आता है क्या, क्या चीनू को क्या बता रहा है। कुछ इफ यस देन क्या बनाया है उन्होंने, अच्छा बनाना आता है क्या, ओके कुछ बनाना हाँ आता है क्या। मैगी बनानी आती है तो उसको भी बनाने में 2 मिनट ऐड में आता है, इसके लिए 1 घंटा होता है वो मेरे को बहुत पसंद है कि मैं, मेरे को ऐसे कुक करना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं अगर कुछ भी बनाने की कोशिश भी करता हूँ ना वो तो मेरे एक को, घंटा तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अच्छे से बनाऊँ। माँ जय भैया का भी मैसेज आया है, हरे कृष्णा जय नमस्ते भैया। डज ही हेल्प यू इन किचन, कपकेक मोहित पूछ रही है। नहीं जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था तब मेड भी नहीं आ रही थी, तो ये बड़े प्यार से बोला
मम्मी एक टाइम के बर्तन में धो दूंगा। मैंने कहा तू एक टाइम का मत धो, सिर्फ अपनी प्लेट को धो के रख दे। तो ये गया फिर ऐसे बोलता है अच्छा इसको पहले पानी डालूं, पहले ये डालूं। मैंने कहा अच्छा तुझसे बेटर है तू रख दे इसको, मैं ही धो दूंगी। तो इससे काम कर, कुछ भी काम नहीं करना होता इसको, कुछ काम नहीं करना। नहीं, मेरा इंटेंशन था पूरा कि मेरे को, मैं मम्मी की हेल्प करूंगा बर्तन धोने में, लेकिन मेरे को धोने आते नहीं थे। हाँ। मैं पहली बार कर रहा था तो इसलिए मैं मम्मी से पूछ रहा था। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं कोई भी चीज करना शुरू करता हूँ ना, तो उससे पहले मेरे को उसका पूरी डिटेल चाहिए होती है कि वो कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, एक एक चीज। मां ऋतुराज का भी मैसेज आया, प्रणाम बोल रहा है वो, नमस्ते। हेलो ऋतुराज, हैप्पी मदर्स डे। जय जगन्नाथ ऋतुहाई। मॉम को मेरी तरफ से और मम्मी की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू ऋतुराज। ऋतुराज का है जय जगन्नाथ। हरि बोल। मम्मी को अपना पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? मम्मी को मैंने पहला गिफ्ट कौन सा दिया था, मां आप बताओगे? गिफ्ट तो बचपन से ही ये मुझे देता था, हर बर्थडे पर जब से समझदार हुआ ये पोयम्स लिखता था, पोयम्स कागज पे। और जहां मैं पानी भरती थी मटका, उसके नीचे उसने 5 बजे मेरे बर्थडे के दिन 5 बजे उसके नीचे एक पोयम लिख के और रख दी थी। एक मेरे तकिए के नीचे एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब इतने सारे गिफ्ट वो थे कि ये लिखता था। और यही गिफ्ट इसने मुझे आज तक दिए कि अच्छे से अच्छा लिखता है बस मेरे लिए हर साल। अरे यार माँ, लव यू यार। और वो मैंने सब संभाल के रखे हुए, किसी दिन मैं सारी दिखाऊंगी बचपन की, इसकी जितनी पोएम्स इसने लिखी है मेरे लिए। टिया, टिया कर का मैसेज आया था, माँ हैप्पी मदर्स डे बोल रही थी वो भी आपको। थैंक यू टिया। थैंक यू टिया, आपको भी और आपकी मॉम को भी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे कह रही है तृप्ति भी। माँ से मार कितनी बार खाई है चीकू? अरे बहुत। और मतलब ये मान लो कि हम तीन भाई बहन है, उन तीनों भाई बहनों सबसे ज्यादा मैं ही पिटा हूं, है ना माँ? बिकॉज ये फर्स्ट था तो, और मुझे था कि मेरा बच्चा मतलब बहुत अच्छा बने, बहुत पढ़ाई में, तो बस ये सारा जो भी था ना तराशने का काम मैंने इसी पे सीखा और इसी को मारा। बाद में दोनों के लिए तो समय नहीं मिला मुझे मारने का। वाह यार माँ, लड़का बचपन से बड़ा स्टाइलिश है, जय भैया कह रहे। बचपन में तो नहीं था, जय भैया मेरे कपड़े पहनता था। अरे हाँ, 12th तक ये मेरे ही कपड़े पहन के जाता था। इसको ये पतला था तो इसको मेरे कपड़े फिट होते थे, तो मेरे जब इसको जब तक लोगों ने टोकना शुरू नहीं किया ना कि लड़कियों के कपड़े पहनना बंद नहीं कर, तब तक ये मेरे ही कपड़े पहनता। मेरी कोई चॉइस ही नहीं थी कपड़े पहनने में, तो मम्मी के क्या है, मम्मी वेस्टर्न क्लोथ बहुत पहनती थी, टी शर्ट वगैरह। और मम्मी के टी शर्ट थोड़े मतलब ऐसे होते थे, फिट आते थे मेरे, क्योंकि मेरे मेरी साइज के कपड़े मेरे को फिट नहीं आते थे, मैं पतला था। तो जब मम्मी के कपड़े मेरे को फिट आने लगे थोड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मेरी बॉडी अच्छी दिखेगी, तो मैं वो पहनता था। फिर एक दिन किसी ने मुझे टोक दिया, ये छोटू, हमारा रेस्टोरेंट था उस टाइम पे रविंद्र कैफेटेरिया, रविंद्र मंच जयपुर में, तो वहां पे है ना मैं था, पापा और हमारा ही रेस्टोरेंट था वो, लेकिन किसी कस्टमर ने मुझे बोल दिया ए छोटू चाय लेकर आ, तो मैंने कहा अरे इसने मुझे छोटू समझता है। तो तब से फिर मैंने, मम्मी ने कहा कि तू ऐसे मेरे मेरे टी शर्ट्स पहन लेता ना, इसलिए तेरे को सब ऐसे समझते हैं कि किसी के भी कपड़े पहन कर आता है। तो फिर तब से मैंने छोड़ दिया। यार माँ, ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था यार, चलो कोई बात नहीं। रॉ स्टार के बाद ये स्टाइलिश हुआ थोड़ा, उससे पहले तो ये कुछ भी अलग ही थी इसकी स्टाइल। मेरे को कपड़े पहनने का बिल्कुल आज भी कोई शौक नहीं है, और मैं सच में मतलब घर पे तो मैं चड्डी बनियान में घूमता हूँ, मतलब मेरे को कपड़े पहनने का कुछ है ही नहीं यार, ऐसा कि मेरे को यही कपड़े पहनने, ऐसा कुछ स्टाइल नहीं है मेरा। तो तो कितनी अच्छी है सॉन्ग, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मम्मी ने लास्ट मदर डे पे ये मॉम के लिए गाया था, उनकी मॉम के लिए, है ना माँ? अदिति पूछ रही, आंटी जी आपको भी सॉन्ग आते हैं? बिल्कुल, मम्मी तो मतलब जब से मैं छोटा था तब से मम्मी से ही गाने सुनता था, मैं मम्मी से ही सीखता था गाने गाना, सुबह ही गाने से शुरू होती। माँ के साथ आपका हृदय स्पर्शी मोमेंट कौन सा है? अच्छा ऐसा, सबसे ज्यादा तो
तो है ना, मैं क्या है, 12th के बाद में ना मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल, और तो मुझे मुझे ना एक टाइम, बहुत टाइम बाद में, बहुत साल बाद रियलाइज हुआ कि मॉम ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। जनरली वो कभी ऐसे जताती नहीं है कि मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है, लेकिन फिर जब बहुत साल हो गए उस बात को, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मम्मी ने बचपन से लेकर कितना सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। कि मतलब इन्होंने एक टाइम पे अपने अपनी खुद की ज्वेलरी बेच दी ताकि बस मेरे को वो मोबाइल IIT की ट्रेनिंग और मोबाइल दिला सके। और सुबह मतलब मैं जब वो कर रहा था, IIT की कोचिंग कर रहा था, तो मॉम मेरे को गाड़ी से छोड़ के जाती थी कि है ना, क्योंकि मेरे को, मैं कभी निकला ही नहीं था घर से बाहर। मैं ऐसा बच्चा नहीं था कि जो घूमता है ज्यादा, घर में ही पड़ा रहता था हमेशा से, आज भी ऐसा ही हाल है मेरा। तो मेरे को क्या है, ज्यादा घूमना आता नहीं था, मेरे को बस से ट्रैवल करना आता नहीं था, तो मम्मी मेरे को छोड़ने जाती थी वहां पे बंसल क्लासेस में, बहुत दूर था हमारे घर से। तो मम्मी ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और वो कभी मम्मी बताती नहीं है। और जिस दिन मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ, तो वो बहुत वो था, मोमेंट था मेरे लिए टची, कि यार अरे यार मम्मी ने तो बहुत किया है यार, पर हम कभी बताते ही नहीं उनको, ना वो कभी इंग्लिश हमें। सीखी मैंने, ये नहीं बताएगा, हाँ, मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ गाड़ी हमारे चलाना लिए, सीखा। सिर्फ ताकि हमें सिखा सके इंग्लिश बोलना, हमें सिखा सके कंप्यूटर चलाना, हमें सिखा सके, मतलब हमारे लिए, कि छोड़ने ले जाने के लिए दिक्कत ना हो बच्चे को, इसलिए मम्मी ने गाड़ी चलाना सीखा। तो मम्मी इज सुपर सुपर मॉम, सुपर स्टार। और तुझे चेस खेलना सिखाया, योगा हाँ, सिखाया। कैरम बोर्ड खेलना सिखाया, बैडमिंटन खेलना सिखाया, अरे और चेस में फिर मैं सबसे बेस्ट हो गया था पूरे घर में। हाँ जी, तो आपकी माँ बहुत क्यूट है, गार्गी कह रही है थैंक यू, सुपर क्यूट। तो अब टाइम हो गया है हमारे जाने का, और मम्मा का फेवरेट कलर बताओ, बताया हमने येल्लो, मम्मी का येल्लो फेवरेट है। यू बोथ आर सो स्वीट, थैंक यू, थैंक लुक्स वेरी यू, प्रिटी माँ, जोया आ कह रही है, जोया थैंक यू थैंक जोया। यू। तो अब हम जाते हैं, और जाते जाते हैं, मैं मॉम के लिए गाऊंगा कपकेक सॉन्ग, ठीक है माँ, हम सब गाएंगे, ओके डन। कपकेक के लिरिक्स तुम टाइप करके लिख सकते हो। इसकी कॉर्ड चेंज करनी पड़ेगी। कीजिए कीजिए जनाब। कि रात को जो तू ख्वाब ख्वाब ले, में मैं ख्वाब ख्वाब तू, तू, मखमली मखमली सी सी रेशमी सी आवाज आवाज तू, तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाम हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है। कि जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले ये कैसा राज है। जब से तू आई है मेरे साथ में, उल्टा साला सीधा हर हिसाब है। कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी सांस दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं। दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, मेरा प्यारा दुलारा कप केक है। हैप्पी मदर्स डे माँ। हैप्पी मदर्स डे ऑल, बच्चा पार्टी सबको मेरी तरफ से, आप सबकी मम्मियों को आप प्राउड फील कराओ एंड लव यू।